आमतौर पर हवाई जहाज रनवे से टेक ऑफ करता है, लेकिन अगर टेक ऑफ समंदर या दरिया से हो तो फिर ये तजुर्बा इंतहाई दिलचस्प होता है। ये सीप्लेन यानी बहरी जहाज पानी पर तैर रहा है और वहीं से टेक ऑफ करेगा। कर्नाटक के उडुपी के नौजवानों ने यह अनोखा माइक्रोलाइट सीप्लेन इजाद किया है जो पानी पर तैरता है और आसमान में उड़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के जरिए खुद इन्हिसार भारत की अपील से मुतासिर होकर उडुपी के नौजवानों ने सीप्लेन तैयार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत के पहले सीप्लेन का इफ्तिताह किया था। ये इम्पोर्टेड सीप्लेन दरियाए नर्मदा पर कामयाबी के साथ तैरता है और आसमान में भी उड़ान भरता है। इस सीप्लेन की तर्ज पर उडुपी के हिजामड़ी में दरियाए शांभवी में कामयाबी के साथ तैरता और उड़ता हुआ माइक्रोलाइट सीप्लेन तैयार किया गया है। हिजामड़ी के नादी कुदरू गांव बाशिंदा पुष्पराज ने इस हल्के वजन वाले सीप्लेन को इजाद किया है। मैंने एयर मॉल्डिंग NCC इंस्ट्रक्टर की हैसियत से काम किया है। मैंने रिमोट कंट्रोल UIV जहाज बनाया है। मेरा ख्वाब एक हकीकी हवाई जहाज बनाने का था, लेकिन मुझे लैंड प्लान बनाने की इजाज़त नहीं मिली, लिहाजा मैंने समुद्री जहाज बनाने का फैसला किया है। एयर मॉडलिंग और NCC इंस्ट्रक्टर पुष्पराज को इस माइक्रोलाइट सीप्लेन बनाने में दुरूती नामी एक NGO की मदद से 15 साल का वक्त लगा है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने इस तैयारी के लिए पुष्पराज के साथ काम किया। सीप्लेन में जो पानी पर तैरता है और वहां खुद ही टेक ऑफ करता है। ये तैयारा सिर्फ एक पायलट को एडजस्ट कर सकता है, तहम पुष्पराज की ख्वाहिश 7 सीटों वाले सीप्लेन को बनाने की है। अगर हमने 4, 6 या 10 सीटर सी प्लान तैयार किया तो हम इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कश्ती के तौर पर भी काम करता है और कभी भी इसे पानी पर उतारा जा सकता है, इसलिए ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती। हम इसे नकल हमल, दिफा, तरबियती मकसद या सियाहत के मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के तलबा के प्रोजेक्ट पर काम करते हुए पुष्पराज ने सी प्लेन इजाद किया है जो 190 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। पुष्पराज ने हवाई जहाज ग्रेड एल्यूमिनियम, खुसूसी नायलान रस्सी, नायलान कपड़ा और 200 cc इटालियन सिमोनिनी इंजन का इस्तेमाल करके इस सी प्लेन को तैयार किया है। इसमें 33 HP पावर और 53 इंच लकड़ी का पैरोपेलर लगाया गया है। स्पीड पेट्रोल के साथ ये सीप्लेन पानी पर तेजी से आगे बढ़ता है और उसी रफ्तार के साथ टेक ऑफ भी कर जाता है। मैंने मिनीपाल में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। हमने सिर्फ थ्योरी पार्ट सीखा था, लेकिन सर ने हमें अमली तौर पर तरबियत दी। पुष्पराज ने समुद्री जहाज को तैयार करने में तकरीबन 7 लाख रुपए खर्च किए हैं। एरोनॉटिकल तलबा के साथ उन्होंने इस सी प्लेन को अपने फार्म में तैयार किया है। उनके दोस्तों ने भी सी प्लेन को तैयार करने में उनकी मदद की है। पुष्पराज ने नादू कुदरू के करीब एक वर्कशॉप बनाने के लिए रियासत और मरकज से माली मदद ली और एरोनॉटिकल तलबा को इस तरह के मंसूबों के लिए हौसला अफजाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।